आदि पुरुष मूवी के टीम ने एक ऐसी चीज को अनाउंस किया है जो कि भारत सिनेमा के इतिहास में किसी भी मूवी टीम ने नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में लॉर्ड हनुमान यानी हनुमान जी आज भी धरती पे वास करते हैं। तो इसी बिलीफ को रेस्पेक्ट देते हुए आदि पुरुष के टीम ने कहा है कि हर एक थिएटर में जहां पर ये मूवी प्ले होगी वहां पर एक सीट खाली रहेगी लॉर्ड हनुमान के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना। आप जब जाओगे सिनेमाज में देखने तो आप ये देखोगे कि अगर सिनेमा हाउसफुल है तो भी एक सीट हनुमान जी के लिए खाली रहेगी। जो ट्रिपल आर मूवी थी उसकी बजट थी 550 करोड़ और आदि पुरुष का एस्टिमेटेड बजट 500 करोड़ है, जो कि इसको सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी बनाती है अभी तक की इंडिया में। इस मूवी के बजट का आधा यानी 250 करोड़ सिर्फ विजुअल इफेक्ट्स में लगा है। 250 करोड़। इस मूवी की रन टाइम यानी लेंथ होगी 2 hours 54 minutes। इस मूवी की ओरिजिनल बजट 400 करोड़ थी, लेकिन ओरिजिनल टीजर के विजुअल इफेक्ट्स को देखने के बाद पब्लिक का बैकलैश मिला और इसके बजट को और 100 करोड़ से बढ़ा दिया गया। मूवी मेकर्स ने स्ट्रगल भी बहुत किया है क्योंकि आदि पुरुष के फिल्मिंग के दौरान एक बार सेट पे आग भी लग गई थी और पूरा सेट जल गया था मुंबई में, और पूरे सेट को दोबारा भी बनाना पड़ा। आपने चांद का फोटो देखा है, नॉर्मल चांद का फोटो, लेकिन क्या आपने कभी इसके मिनरल मून वर्जन को देखा है? मिनरल मून मतलब वो मून का फोटो जिसमें चांद कुछ ऐसा दिखता है, और ये जो अलग अलग कलर्स आपको दिख रहे हैं ये अलग अलग मिनरल्स हैं जो कि चांद पे मौजूद हैं। चांद पे बहुत मात्रा में आयरन है, टाइटेनियम है, लाइमनाइट है और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक्चुअली में अगर आप मिनरल लेंस से देखोगे तब आपको दिखेगा। इंडिया के सबसे लार्जेस्ट ब्रोकर जीरोधा के जो को फाउंडर हैं निखिल कामत, उनके बारे में ये खबर आ रही है कि वो अपने ज्यादातर वेल्थ को डोनेट करने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने द गिविंग प्लेज ज्वाइन किया है। क्या है ये गिविंग प्लेज? तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वॉरेन बफेट और बिल गेट्स ने साल 2010 में बनाया था, और मान लो इसमें अगर आप ज्वाइन करते हो तो होगा ये कि जब आपकी मृत्यु होगी भविष्य में तब आपकी आधी वेल्थ सोशल कॉज में जाएगी, यानी एनजीओज और बाकी हेल्पफुल चीजों में, मतलब अच्छे कॉज के लिए आपकी आधी संपत्ति चली जाएगी और जो आधी बची रहेगी वो आपके परिवार को मिलेगी। तो निखिल कामत चौथे इंडियन बने हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए, और बाकी तीन का नाम है अजीम प्रेमजी, किरण मजुमदार शाओ, रोहिणी और नंदन निलेकानी। द गिविंग प्लेज इसके साथ अभी के टाइम पे 29 अलग अलग देशों से 241 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जुड़े हुए हैं। हाल ही में बिहार के भागलपुर में एक ब्रिज कोलैप्स कर गया था जो कि 1700 करोड़ रुपए के लागत से बन रहा था। इसे बना रही थी हरियाणा बेस्ड कंपनी, और बिहार गवर्नमेंट ने उस कंपनी से ये पूछा है कि हमें आपको ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, इसका रीजन दो हमें, और उसके इंजीनियर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये पुल गंगा नदी के ऊपर बन रहा था जो कि बिहार के भागलपुर को खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने वाला था, और इसका फाउंडेशन स्टोन 2014 में ही स्टार्ट कर दिया गया था, और 1700 करोड़ के पब्लिक के पैसे को यूज करके ये ब्रिज बन रहा था। ऐसा माना जा रहा है कि इस पुल के स्ट्रक्चर में सीरियस डिफेक्ट मौजूद थे जो कि नहीं होना चाहिए था, और करप्शन भी मौजूद था। एप्पल ने विजन प्रो को अनाउंस किया है। अब ये बात अलग है कि इसकी प्राइस $3,500 है यानी करीब 3 लाख रुपए, लेकिन 3 लाख रुपए में आपको जो मिलेगा वो कई ऑडियंस के हिसाब से वर्थ इट है। आपने मार्वल मूवीज में आयरन मैन के सूट से जो इंटीरियर से व्यू आता है बाहर उसको तो देखा ही होगा कि कैसे आयरन मैन का जो चेहरा होता है वो अपने अंदर से बाहर देखता है और उसको रियल वर्ल्ड में डिजिटल इंटरफेस देखने को मिलता है। तो एप्पल ने कुछ ऐसा ही किया है, और ये टेक्नोलॉजी का हद है लिटरली, मूवी में नहीं बल्कि रियल लाइफ में। एप्पल के हिसाब से सालों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद उसने ये लॉन्च किया है। ये एक ही काम करेगा, डिजिटल कॉन्टेंट को फिजिकल वर्ल्ड से जोड़ेगा, यानी ये पहनने के बाद आप असली दुनिया को डिजिटल वे में यूज कर पाओगे।
तो जैसे आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे एप्स को चलाते हो, इसके बाद आप अपने रूम में बैठे रहोगे और रूम में ही आपको सारे एप्स दिखेंगे और आप कोई भी वीडियो को कितना भी बड़ा कर पाओगे रूम के किसी भी दीवार पे। तो एक तरह से आप एक अलग दुनिया में चले जाओगे इसको लगाने के बाद, चाहे वो मूवीज हो, टीवी शोज हो या फिर किसी इंसान की आइडेंटिटी हो। आपका रूम डिजिटल चीजों से भर जाएगा, मतलब एकदम मूवी की तरह। आप अपने रूम में इसको लगा के बैठोगे और आप देखोगे कि आपके रूम में अलग अलग जगह पर कई विंडोज खुले हुए हैं। जिस तरह आप कंप्यूटर में मल्टीपल एप्स को खोलते हो और बंद करते हो, तो वैसे आपके रूम में अलग अलग जगहों पर एप्स खुले हुए होंगे, अलग अलग विंडोज खुले हुए होंगे। इसके पहले ऐसी चीज किसी भी कंपनी ने नहीं किया है और इसकी क्वालिटी 4K से भी ऊपर रहेगी, लेकिन इसकी प्राइस ही इतनी है कि सब लोग शायद ही इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे, क्योंकि 3 लाख रुपए कोई मजाक नहीं है भाई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसा किसी भी कंपनी ने पहले नहीं किया है, ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाने वाला ये विश्व का पहला कंपनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा जिंदा एडवर्टाइजमेंट कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? अब आपके मन में सवाल आएगा कि जिंदा एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, तो आप अपने स्क्रीन पे जिस चीज को देख रहे हो इसी को कहते हैं जिंदा एडवर्टाइजमेंट। ये एक्चुअली में 8000 पाइन ट्रीज को मिलाकर बनाया गया था। एक अमेरिकन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर था, यानी गाड़ियों को ये कंपनी बनाती थी, तो इसने ये रिकॉर्ड बनाया था लार्जेस्ट लिविंग एडवर्टाइजमेंट का। क्योंकि पेड़ तो जिंदा होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आसमान से भी दिखती है। इस कंपनी को बंद हुए 50 साल हो गए हैं, लेकिन ये पाइन ट्रीज जो कि उस कंपनी को डिपिक्ट करता है वो आज भी मौजूद है। हर चीज के, हर स्टेटमेंट के चांसेस होते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान गाड़ी में जा रहा है रोड पे, तो इसके कितने परसेंट चांस है कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ये टेक्निकली और स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट होता है मैथमेटिक्स में। तो एक चीज है जिसका 99% चांस है आपके लिए, और आप पूछोगे कि ऐसा क्या है, तो 99% चांस है कि आप किसी भी रैंडम इंसान के फोटो में मौजूद होगे। यानी आप अभी तक कहीं ना कहीं घूमे होगे, और इतने सारे पब्लिक में हम लोग फोटोज क्लिक करते हैं, आपके फोन में भी कई फोटोज होंगे, तो उन फोटोज में आप ही तो नहीं होते हो। तो अगर किसी फेमस जगह पर आप फोटो क्लिक किए, तो वहां तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो जिस तरह आपके फोटो में अलग अलग लोग आते हैं जिनको आप जानते भी नहीं हो, बट वो कहीं ना कहीं है ना, वैसे आप भी कितने लोगों के फोटो के बैकग्राउंड में आए होगे, इसी चीज का चांस इतना हाई रहता है। वैसे मैं भी बहुत जगह घूमा हूँ, तो शायद मैं भी कई लोगों के फोटोज में आया होऊंगा और वो नोटिस भी नहीं किए होंगे। अगर आप धरती के एक कोने पे आप गड्ढा किए और वो गड्ढा इतना लंबा किए कि वो दूसरे कोने पर जाकर खुले, और बीच वाले जो गर्म कोर है उसे हम लोग इग्नोर किए, तो अगर आप उसमें जंप करोगे, तो आपको पता है अगर हम लोग ऐसा कोई टेक्नोलॉजी अगर बना दिए, तो सिर्फ 42 मिनट लगेंगे कहीं से कहीं जाने में, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में सिर्फ 42 मिनट और 12 सेकंड यही लगेंगे, चाहे वो कोई भी पॉइंट हो, जैसे इधर से इधर, उधर से इधर, हाईएस्ट टाइम 42 मिनट ही लगेगा। तो अगर हम लोग धरती के कोर के अंदर से भी किसी ऐसे एलिमेंट का टनल बना दिए जिसके अंदर से हम लिफ्ट्स को पार कर सकेंगे, तो अमेजिंगली जो धरती पे जर्नी टाइम होगा वो बहुत कम हो जाएगा कहीं से भी कहीं जाने में, चाहे वो अमेरिका से इंडिया हो या फिर इंडिया से ऑस्ट्रेलिया हो। ऐसा अंडरग्राउंड सिस्टम अगर हम बना लिए या फिर अगर हम इमेजिन करें, तो 42 मिनट ही लगेंगे। आप उस गड्ढे में कूदे और बहुत स्पीड से आप अंदर जाते गए, आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता गया और फिर आप सेंटर तक पहुंच गए, उसके बाद फिर सेंटर से वापस आप उल्टा गिरोगे, लेकिन जितना आप काइनेटिक एनर्जी गेन किए होगे जब आप उल्टे दिशा में जाओगे, तो उतना ही आप लूज करोगे धीरे धीरे करके, यानी आप टेक्निकली दूसरे साइड तक पहुंच जाओगे। लेकिन इस थ्योरी को हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए गर्म कोर को इग्नोर किए हैं, और इसको बायपास करना हमारे अभी के सभ्यता के हाथ में नहीं है। तब भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर ग्रेविटी के पावर से अगर हम ट्रैवल किए एक साइड से दूसरे साइड तक, तब अमेजिंगली कोई भी जर्नी 42 मिनट से कम का ही रहेगा। डैट्स गजब।
तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और स्क्रीन पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिन्हें आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।